ताकि हम जल्दी इन सब कार्यों से फ्री हों, अपने मिशन में लगे रहें, आगे चलकर कालांतर में हमें बहुत कार्य करने, तो जल्दी ही जो है हम सभी लोग शांडिल्य गोत्री हैं और पूज्य महाराज श्री गर्ग गोत्री हैं, तो अगर संबंध हो भी जाता है तो इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, बाबा बागेश्वर नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियो हर उम्र के लोगों के बीच लोकप्रिय रहते हैं। इसी के साथ ही वो अपने पर्सनल लाइफ को भी लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इनमें से एक सबसे बड़े मुद्दा है बागेश्वर बाबा की शादी। दरअसल काफ़ी समय से बाबा बागेश्वर की शादी और उनकी होने वाली दुल्हनिया को चर्चे को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें देखने को मिलती है। ऐसे में अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी शादी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह जल्दी शादी करेंगे। इस ऐलान से बाबा के फॉलोअर्स में काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। इससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधिकारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया था कि पत्र लिखकर लड़कियां धमकी दे रही है। उन्होंने कहा, पत्र के माध्यम से लड़कियां कह रही है कि अगर आप बारात लेकर नहीं आए तो वह आत्महत्या कर लेंगी। इसलिए उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि लड़कियां ऐसे कृत्य नहीं करें। उन्होंने कहा कि गुरु और माता पिता की आज्ञा मिलते ही हम शादी कर लेंगे। शिवरजनी तिवारी नाम की युवती की चर्चा होने लगी। दरअसल शिवरजनी तिवारी का नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ कथित रूप से जोड़ा जाने लगा था। वह अपने आप को MBBS की छात्रा बताती है। उनके ऐलान के बाद खुद शिवरजनी तिवारी ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव आकर बताया कि शादी की तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा। शिवरजनी तिवारी ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऐलान के बाद मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आने लगे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि मैं दुल्हन कब बनूंगी, उनकी शादी किससे होंगी। नाम जारी किए बगैर कहा कि शादी कब होंगी और दुल्हन कब बनूंगी, इसका ऐलान जल्दी किया जाएगा। अभी कुछ कार्य बचे हुए हैं, कार्य पूरा होती मेरे द्वारा खुद शादी की तारीख बता दिया जाएगा। आप सभी लोगों को जल्द ही मिठाई खाने के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों आपको इस वीडियो पर क्या कहना है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।